रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी। कि इतना दर्दनाक वाकिया था, पूरे पाकिस्तान, पूरा बलूचिस्तान उसकी मुजम्मत करता है। एक बहुत परेशानी का आलम था और हर तबके के लोग इससे बड़े परेशान थे। ज़ाहिर है हमारा क्वेटा का वाकिया था तो हम इससे काफ़ी टच थे और हम बार बार वहाँ पे गए भी और उनके साथ रबता भी रखा। और ज़ाहिर है यहाँ ऐवान में बैठे हुए सारे लोगों का हमदर्दी भी ये है कि इतना दर्दनाक वाकिया हुआ है। अगर वो अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, दोनों के तरफ से यही है कि यार ये गलत वाकिया हुआ है और हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। मगर मैं आपको चीज़ कुछ बताना चाहूँ कि जिस तरह फेडरल की वहाँ से गवर्नमेंट आई, पहले शेख रशीद साहब आए, फिर उसके बाद जो है हमारे दो और फेडरल मिनिस्टर आए और उन्होंने बाकायदा हमने उनके साथ बैठे और उनसे बातचीत किया और बातचीत करने के बाद जो है उस धरने को उनके लवाइकीन के साथ मिलके उसको ख़त्म किया गया, जो उनके कहने की डिमांड थी, हमारी नहीं लवाइकीन की डिमांड थी कि आप इस तरीके से कमीशन बनाए। और हमने उनकी डिमांड को पूरा करते हुए ये कमीशन बनाया और उनकी कमेटी बनाई, जिस कमेटी में हमारे ज़िया लांगो साहब ने बाकायदा साइन किया और उसमें उनके लोकल दो लोगों का भी उन्होंने डिमांड दी कि वो दो बंदे भी होने चाहिए। उसमें हमारे फेडरल मिनिस्टर्स ने भी साइन किया, हमारे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी साइन किया और उसी वादे के मुताबिक हमारे खान साहब को कहा कि जैसे उन्होंने कहा तस्फीम करेंगे तो हम आ जाएंगे, उसी तरह वो आए। उनको भी तकलीफ थी। मेरे ख्याल से कि इसके ऊपर अगर आप कमीशन फिर ना बनाए तो बेहतर है, क्योंकि एक ऑलरेडी एक चीज़ हो चुकी है और उनकी ही लवाइकीन की डिमांड के ऊपर हो चुकी है। तो आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट। ये और कमीशन है, वो और कमीशन है जी। सना बलो साहब, मैं माजरत के साथ, सना साहब माजरत से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। पहली बात ये स्पीकर साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारे अपोजिशन के साथियों से और यहाँ पे हुकूमती बेंच से भी। अभी सवाल ये कि सिर्फ एक करारदाद आई हुई है, रिक्वेस्ट ये कि इसको जो है मतलब मुजम्मती करारदाद इसको पास करते हैं, उसके बाद जो है मतलब जो जो साथियों का जो है मतलब होगा अपने स्पीच में आप बता दें, सजेशन दे दें, जिस तरह कादिर ने सजेशन दिया वो एक सजेशन था, लेकिन करारदाद की मतन जो आ गया है इसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि आप इसको एक मरतबा पास कर दें, क्योंकि मुजम्मती करारदाद है, कोई उसमें खुदा न खासा कुछ वो नहीं है। बाकी आगे कमीशन है, ट्रुथ है, जो कुछ है वो आगे जाकर हम बनाएंगे। वो कह रहे हैं तो आप छोड़ दें, ठीक है। आया मुजम्मती करारदाद को असल शक्ल असल हालत में मंजूर किया जाए। मुजम्मती करारदाद मंजूर हुए। बलूचिस्तान असम्बली का ये इजलास हज़्ब इख्तलाफ़ के मौजूदा अरकान असम्बली की दरख्वास्त पर तलब किया गया है, लिहाजा आज की नशस्त में ज़ैल अहम अवामी